नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों के बारे में, ट्रेन कैंसिलेशन के बारे में। अगर आप रेलवे से यात्रा करने वाले हैं या फिर यात्रा को लेकर विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्यों के रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 18 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 232 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, साथ ही साथ 6 ट्रेनों के शेड्यूल किया गया है और 23 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया गया है कि 18 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में अगर आप रेलवे से यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर लिख लें, क्योंकि 6 से 8 घंटे रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया गया है। 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन दिनों सालबोनी और गोदापिया साई स्टेशन के बीच सबवे निर्माण के लिए 8 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक किया जाना है। रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया है कि शुक्रवार को यानी कि 18 फरवरी की सुबह 9:05 से शाम के 5:05 तक ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि 21 फरवरी को सुबह 11:00 से शाम के 6:30 तक यानी कि 7.5 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक के कारण आसनसोल पुरुलिया मेनू पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। रांची आसनसोल पैसेंजर 1.5 घंटे लेट से चलेगी। बिहार के दानापुर से टाटानगर जाने वाली 18/184 दानापुर टाटा एक्सप्रेस दानापुर से 4 घंटे लेट से चलेगी। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण इस रूट के अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होगा। इस रूट के अलावा धनबाद रेल मंडल ने हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग के ग्रैंड कोर्ट सेक्टर पर एक बार फिर से ट्रैकिंग ब्लॉक लेने की जानकारी दी है। धनबाद गया रेल मार्ग के बंधुआ और टनकुप्पा स्टेशन के बीच 1 मार्च को 6 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे में कहा गया है कि सुबह 8:40 से दोपहर के 2:40 तक इस रूट की ट्रेनें नहीं चलेंगी। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि ब्रिज के ऊपर दोबारा गार्डन चढ़ाने के कारण ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इस वजह से दिल्ली से हावड़ा के बीच कई रेलगाड़ियाँ प्रभावित होंगी। ऐसे में अगर आप आने वाले 1-2 दिनों में रेल से यात्रा करने वाले हैं तो आप यात्रा से पहले अपने ट्रेन की स्थिति को जरूर देख लें, क्योंकि रूट ब्लॉक होने के कारण कई ट्रेनों को लेट होगी तो कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। तो ऐसे में देख लें कि खास करके बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को जो है रद्द किया गया है। ऐसे में अगर आप इन तीनों राज्यों में यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा से पहले अपने ट्रेन की स्थिति और उसके रूट की स्थिति भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यात्रा वहीं से शुरू करें जहां से ट्रेन प्रारंभ होती हो। आप बीच में भी सफ़र करने की शुरुआत कर सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने उस ट्रेन का रूट ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके रूट से आती है या नहीं आ रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।